की बड़ी खबर यह है कि सम्मान लौटाने की कड़ी में आज तीन बड़े नाम जुड़ गए। अरुंधति राय का नाम भी आ गया है इसमें। अरुंधति रॉय ने किया सम्मान लौटाने का ऐलान। सईद मिर्जा और कुंदन शाह भी इसमें शामिल। सईद मिर्जा भी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है और अरुंधति रॉय ने कहा है कि बकायदा उनका यह कहना है कि मुझे शर्म आती है जो कुछ भी हो रहा है उस सबको देखकर, इसीलिए मैंने इस पुरस्कार को वापस करने का फैसला किया है। सिद्धार्थ हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। सिद्धार्थ, अब एकाएक फिर से ये अवार्ड लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं इस पर? देखिए निशांत, इसमें सईद मिर्जा और कुंदन शाह जो हैं ये लगभग एक ही ग्रुप के लोग हैं और इन सब ने लगभग फिल्में तभी बनाना शुरू किया था, सबने सबकी जिंदगी की जो स्ट्रगल थी कही साथ ही शुरू हुई थी और सब हम ख्याल वाले लोग हैं। तो सईद मिर्जा का ये कहना है कि फिलहाल जो है वो जो देश के हालात हैं उसको देखते हुए हम बाकी के जो हमारे और साथी हैं उनका साथ निभाएंगे और हम अवार्ड वापस करेंगे। बाकी इसके बारे में कोई और बात जो है वो हम 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार अनाउंस हो जाएगी फिर उसके बाद खुलासे से बात करेंगे। इस पे अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में भी 2 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप है अनुपम खेर का जो कि इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। जी हाँ, अनुपम खेर जो है उसमें एक तबका जो अनुपम खेर के खिलाफ है उसका ये भी मानना है, चूंकि अनुपम खेर की पत्नी जो है वो बीजेपी से ताल्लुक रखती है इसलिए अनुपम खेर जो है उनका रुझान उस तरफ ज्यादा है और बाकी के जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुपम से उनकी दोस्ती जरूर है मगर ख्याल से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और यही वजह है कि अगर आप देखें कि एक तरफ अगर अनुपम खेर जो है वो इन लोगों की खिलाफत कर रहे हैं, वहीं अनुपम खेर जो है वो शाहरुख खान जैसी शख्सियत की तारीफ भी करते हैं और हालांकि बीजेपी के बहुत से लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं उसके बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं सारी कड़ियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। एक और चीज, इतने दिन तक खामोशी और फिर ये फैसला, आप जाहिर सी बात है इसको लेके सवाल खड़े होंगे। जी हाँ जरूर खड़े होंगे, लेकिन जो सोर्सेस के जरिए हमारी जो बात हुई है उसमें ये सुनने को मिला है जो इनके आपस में जो डिस्कशन हुए हैं जिन लोगों ने अवार्ड वापस किए हैं और जो करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सबका ये मानना है कि अगर आज हम एक चीज को हम महसूस करते हैं और उस चीज के प्रति अगर हम एक आवाज उठाते हैं तो इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं कि पिछले अगर कोई बुरा वाक्या हुआ हो और आप कहें कि उस वक्त क्यों नहीं उठाई आवाज। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि इस सब का विरोध किया है, बल्कि जो अवार्ड वापस लौटा रहे हैं उनका भी विरोध करने वालों की आवाजें सामने आ रही हैं और इसमें एक नाम सामने आ रहा है अनिल कपूर का। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं ये सरासर गलत है। जितना मैं शाहरुख साहब को जानता हूं मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने उनके जहन में कोई भी ऐसी चीज होगी, कोई भी गवर्नमेंट की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी गवर्नमेंट जब भी आई थी हम सब यही कहते थे कि हमें हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए बस।